ये सोचने में लगा हुआ था, क्या गिफ्ट दूँ क्या गिफ्ट दूँ क्या गिफ्ट दूँ, तब मैंने ही सोचा। हेलो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं सौरव जोशी ने क्या दिया है इस रक्षाबंधन पर तो इस गिफ्ट? बॉक्स में डाल दिया गिफ्ट, अब इस बॉक्स को डालता हूँ, इस बॉक्स में। अपनी बहन को तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सौरव जोशी ने अपनी बहन के लिए इस राखी पर गिफ्ट पैक करा लिया है और इस बॉक्स के अंदर क्या है ये तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। सबसे पहले आप कुनाली की ये बात सुनिए। पैसे मैं अपने लिए भी रखूंगा, नहीं तो मैं गरीब हो जाऊंगा। क्या गरीब हो जाऊंगा, कुछ पैसे अपने पास रखूंगा मैं। अभी आप अमीर हो? क्यों? नहीं, हाँ मैं हूँ बहुत रिचेस सौदा। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुनाली कह रहा है मैं तो अपनी बहन को सिर्फ 100 रुपये दूंगा वरना मैं गरीब हो जाऊंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुनाली को अपने पैसों से कितना प्यार है। सौरव जोशी ने यहाँ पर गिफ्ट रैप 700 रुपये मेरे को दे देना, इसको बस पैसे चाहिए भाई इसको। सो सौरव जोशी अब अपनी बहन को गिफ्ट देने के लिए तैयार है। उनकी कौन बहन है? उनकी अपनी सगी बहन तो कोई नहीं है, लेकिन उनकी बुआ की लड़की है, ये आप देखिए। राखी बांधने वाले की कमाई होती है। सो आपने देखा सौरव जोशी को राखी बांध दी है उनकी बुआ की लड़की ने, जो कि रिश्ते में बहन ही लगी। तो इस तरीके से सौरव जोशी ने राखी बंधवा ली है, अब आई है गिफ्ट देने की बारी। तो गिफ्ट को अनबॉक्सिंग करते हैं। 3, 2, 1। सो अब गिफ्ट हमारा अनबॉक्स हो चुका है और आप देखोगे कि इसमें क्या निकलने वाला है और उनकी बहन का क्या रिएक्शन होता है इस गिफ्ट पर, ये भी आप वीडियो में देखें। सो आपने देखा यहाँ पर सौरव जोशी ने एक टैबलेट गिफ्ट किया है अपनी बहन को इस राखी पर। Oh my God! तालियां, तालियां, तालियां बहुत अनएक्सपेक्टेड था, बहुत। सो ये देखकर सौरव जोशी की बहन बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुकी है और आपने देखा सौरव जोशी ने किस तरीके से अपनी बहन को एक टैबलेट गिफ्ट किया है इस रक्षाबंधन पर और उसकी बहन बहुत ही ज़्यादा खुश है इस गिफ्ट को लेकर। सो अगर आप चाहते हैं इसी तरीके की इम्पोर्टेंट जानकारी सौरव जोशी से रिलेटेड, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।